आपके समक्ष तुला लग्न का वर्णन कर रहा हूँ। लग्नों की श्रृंखला में ये तुला लग्न सातवीं लग्न है। सातवां स्थान गुप्तांग का होता है। ऐसे व्यक्ति विशेष कामुक होते हैं। और तुला लग्न व्यक्ति का क्या स्वभाव, क्या स्वरूप और कैसा हृदय होता है वो आपके सामने प्रदर्शित करता हूँ। तुला लग्न का स्वामी शुक्र होता है। ये देखने में अत्यंत सुंदर होते हैं, आकर्षण वाला इनका चेहरा होता है। और ये तुला लग्न व्यक्ति जो है उसका विश्वास कभी करना नहीं चाहिए। ये मीठे बोलने वाले होते हैं, बहुत परोपकार की भावना का प्रदर्शन करते हैं। परोपकार करते नहीं हैं, प्रदर्शन इनका बहुत तगड़ा होता है। आकर्षण वाला चेहरा होने के कारण इनकी बातों में झांसी में लोग आ जाते हैं। ये जिससे जो वायदा करते में कभी वायदा निभाते नहीं हैं, हमेशा झूठ और झटका इनके जीवन का उद्देश्य रहता है। स्वकार्यम साधे धीमान कार्य भ्रंशो ही मूर्खता, अपना कार्य किसी प्रकार से बना लेना इनके सिद्धांत के अंतर्गत रहता है। इनके सामने वाले की हानि हो या फायदा हो, लेकिन अपना कार्य स्वार्थ सिद्ध होना चाहिए। महान स्वार्थी विषय के व्यक्ति होते हैं। देखने में वाहि व्यवस्था इनकी इतनी आडंबर वाली होती है, इस आडंबर में के झांसे में लोग आ जाते हैं। और ये केकड़े जैसा रंग बदलने वाले होते हैं। अपना स्वभाव भी ये बदलने वाले होते हैं और स्वरूप भी बदलने वाले होते हैं। ये नाटकीय ढंग के व्यक्ति होते हैं। ऐसे व्यक्ति का कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। व्यक्ति विश्वास देने में ये माहिर होते हैं। इनके झांसे में कोई भी जल्दी आ जाता है, क्योंकि इनके अंदर वो आर्ट, वो कला, गॉड गिफ्ट रहती है कि इनके झांसे में लोग फंस जाते हैं। बड़ी बड़ी ढींग हाँकना इनके स्वभाव के अंदर होता है। बड़े बड़े जो है सो स्वप्न दिखाना लोगों को इनके स्वभाव के अंतर्गत होता है। ये इनके स्वभाव में ये कह सकते हैं, जो दिखते हैं वो है नहीं, जो हैं वो दिखते नहीं हैं। एक ही शब्द इनके विषय में बताता हूँ, जो हैं वो दिख नहीं रहे और जो दिख रहे हैं वो है नहीं। इस प्रकार से ये इनके रूप को कोई समझ नहीं पाएगा। ये तो कन्या लग्न का वो कर्क तुला लग्न का एक मैंने आपके सामने एक संक्षिप्त परिचय। इसका स्वामी होता है शुक्र। शुक्र जो होता है वो शुक्र कैसा है, मायावी ग्रह है। छल छद्र कपट जितने भी शुक्र के पास थे, माया का स्वरूप शुक्राचार्य जी के पास था। शुक्राचार्य इस लग्न के स्वामी हैं। तो देवताओं के विरोधी होते थे और ये देवताओं के जो है सो कन्या तुला लग्न वाले व्यक्ति देवताओं को के विरोधी नहीं होते। देवताओं को तो पूजते हैं, लेकिन आंतरिक रूप से विरोधी होते हैं। बाह्य रूप से प्रदर्शन मात्र में पूजा करते हैं। इस लग्न का जो चिन्ह है तराजू, तराजू जैसो यो रखते हैं तो बैलेंस तराजू का बना रहे। बैलेंस कभी कभी तराजू के समान ये बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं, तो कभी ये पलड़ा भारी हो जाता है, कभी ये पलड़ा भारी हो जाता है। ये दोनों पलड़ा भारी होने के कारण तुला लग्न वाले व्यक्ति न्यायप्रिय होते हैं, ऐसा समझ में आता है। ये न्याय की बात ज़्यादा करते हैं, न्यायप्रिय होते नहीं हैं, लेकिन न्यायप्रियता का प्रदर्शन ज़्यादा करते हैं, तो लोग ये समझने लगते हैं कि ये व्यक्ति न्यायप्रिय है, जबकि होते नहीं हैं ऐसे। और सफाई स्वच्छता इनके प्रकृति में इसलिए रहती है क्योंकि इसके स्वभाव, इनके जो शरीर की आकृति है वो भी सुंदर होती है। और अच्छी संगति में बैठने वाले होते हैं, छोटे धरातल पे नहीं चलते, क्योंकि अच्छी संगति में बैठ करके उन लोगों को ठगते हैं जो अच्छे लोग हैं, उच्च कोटि के लोग हैं, पैसे वाले हैं, कला ज्ञान संपन्न, ऐसे लोगों को ठगते। इसलिए उसमें ये प्रवृत्ति इनको ज़्यादा होती है, उनसे संबंध ज़्यादा रखते हैं। अच्छे लोगों में संगति बैठना, सफाई स्वच्छता रखना इनके स्वभाव में होती है। इस प्रकार से एक कन्या लग्न का जो है तो मैंने आपको प्रदर्शन किया। अब कन्या लग्न तुला लग्न का प्रदर्शन किया। अब तुला लग्न में बैठने वाले ग्रहों का के संबंध में आपको प्रदर्शित कर रहा हूँ। तुला लग्न में अगर सूर्य लग्न में बैठता है तो वो नीच राशि का होता है, उसकी आँखों में जल्दी चश्मा लग जाता है और वो इस प्रकार से नेत्र पीड़ा से
दूषित होता है, आत्मबल में उसके कमजोरी होती है, कोई भी निर्णय सोच करने में आगे पीछे सोचने लगता है। और सूर्य के बाद चंद्रमा अगर तुला लग्न में बैठता है तो कर्म का स्वामी चंद्रमा होने के कारण ये बहुत क्रियाशील बनाता है, कर्मठ होते हैं, सुंदर होते हैं एवं जो है सो अपने पिता की प्रॉपर्टी को विशेष ध्यान रखते हैं, पिता की प्रॉपर्टी को प्राप्त करते हैं। तुला लग्न में यदि मंगल बैठता है तो मंगल ये विशेष रूप से क्योंकि मार्केश होकर के इनके दाम्पत्य जीवन अगर तुला लग्न में मंगल बैठता है तो दाम्पत्य जीवन को बिगाड़ने वाला होता है, पति पत्नी में कभी टिकाव नहीं रहता है, यहाँ तक कि डिवोर्स की स्थिति भी निर्मित हो जाती है और इनके समय समय पर मार्केस होते रहते हैं, एक्सीडेंट होना ये सब इसमें बना रहता है। तुला लग्न में जब बुध बैठता है तो बहुत बुद्धिमान बनाता है, यशस्वी बनाता है, क्रांतिकारी बनाता है, साथ साथ में ये छल कपट प्रपंच में ज़्यादा समय पर रह जाता है, इसकी बुद्धि छलिया बुद्धि बन जाता है वो। तुला लग्न में जब गुरु बैठता है तो गुरु शत्रु क्षेत्री होने के कारण इसको धार्मिकता तो विशेष बना, धार्मिक प्रवृत्ति बहुत अच्छी होती है क्योंकि लग्न का गुरु एक आध्यात्मिक जीवन में बहुत उन्नति प्रदान करने वाला होता है। लग्न में कहीं भी किसी भी राशि पर बैठता है तो उन्नति पादक होता है, अध्यापन कार्य में इसकी अभिरुचि ज़्यादा होती है। तुला लग्न में जब शुक्र बैठता है तो बहुत अत्यंत लावण्य युक्त सुंदर इसका शरीर होता है, वस्त्र आभूषण इसके बहुत ज़्यादा होते हैं, रत्न नग वगैरह पहनने में इसकी प्रवृत्ति ज़्यादा होती है और ये हमेशा जो है सो स्त्रियाँ इस व्यक्ति के प्रति आकर्षित विशेष रहती हैं और ये कामुक बुद्धि का होता है और ये अपनी सुंदरता के कारण, अपने कला के कारण और कला ज्ञान संपन्न होता है, आर्ट कला इसके अंदर जो है सो हमेशा एक उदीयमान होती है। इस प्रकार से ये शुक्र के बैठने से जब तुला लग्न में शनि बैठता है तो उच्च कोटि का होता है, टेक्निकल क्षेत्र में इसकी उन्नति होती है, एक बहुत बड़ा जो है इंजीनियर बनता है, आईआईटी में सफलता प्राप्त करता है, विज्ञान के क्षेत्र में विशेष सफलता और पद और प्रतिष्ठा और धन प्राप्त करता है। तुला लग्न में जब राहु बैठता है तो यह भी जो है सो विशेष उन्नति कारक होता है, कल्याणकारी इसकी भावना होती है और इंजीनियरिंग क्षेत्र में इसकी विद्या पढ़ता है और इंजीनियर बनाता है। जब तुला लग्न में केतु बैठता है तो इसके सिर पर निशान बनता है, चोट चपेट लगने का योग होता है, एक्सीडेंट के कई बार योग बनते हैं। नौ ग्रहों का फल प्रदर्शन मैंने तुला लग्न में आपके सामने प्रदर्शित किया, आगे की राशियों के संबंध में आगे वर्णन करूँगा। हरिओम तत्सत। हर समस्या का समाधान वो भी घर बैठे बैठे, हम करेंगे आपकी हर समस्या का समाधान। लव प्रॉब्लम हो या ब्रेकअप प्रॉब्लम, इंटर कास्ट मैरिज प्रॉब्लम हो या मनाना चाहते हैं अपने घर परिवार को, डाइवोर्स प्रॉब्लम हो या पाना चाहते हैं अपना खोया हुआ प्यार, वशीकरण ब्लैक मैजिक या हो आपका प्यार किसी के वश में और पाना चाहते हैं आप उसे वापस या पाना चाहते हैं छुटकारा अपनी सौतन से, इन सब समस्याओं का समाधान है हमारे पास। आइए संपर्क कीजिए ज्योतिष ज्ञानी विशाल शर्मा जी से। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें हमारा YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञानी और संपर्क करें, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 7828912229। धन्यवाद।